पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जनपद में प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा पहुंची। कुछ राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म मस्जिद मंदिर और संप्रदाय के नाम पर देश को बांटना चाहती हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने सितंबर से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा आगामी 3 तारीख को गाजियाबाद बॉर्डर से यूपी में प्रवेश करेगी। आज हमारी ये प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा संभल से मुरादाबाद पहुंची है, जहां पर हम पद यात्रा करेंगे। कल प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा रामपुर में पद यात्रा करके इसका समापन होगा, जिस पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे, जिन्होंने यात्रा में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से नफरत को दूर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत देश में फैलाई है, उसको कांग्रेस पार्टी खत्म कर रही है। देखिए ऐसा है, कुछ लोग, कुछ संस्थाएं, कुछ राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मस्जिद के नाम पे इस देश को बांटना चाहती हैं, विखंडित करना चाहती हैं। इसलिए कुछ शक्तियां जो है विखंडित करना चाहती हैं, इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से माननीय राहुल गांधी जी ने शुरू की थी, जो लगभग 3700 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए राहुल गांधी जी कश्मीर तक पहुंचेंगे। 3 तारीख को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। तो उसी से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश के 6 जगहों से, 6 प्रांतों से प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। आज ये संभल होते हुए आज ये मुरादाबाद पहुंची है। आज मुरादाबाद में हम पदयात्रा करेंगे और कल जो है रामपुर में पदयात्रा, प्रादेशिक पदयात्रा समाप्त होगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।